स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे भारतीय खाद्य प्रसंस्करण निगम की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, यानी फूड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है। इस वैकेंसी में दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए, या आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो, या आप 12th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो, या ITI की हो तो अप्लाई कर सकते हो, या ग्रेजुएशन की हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सभी के लिए किसी भी प्रकार की जो पोस्ट दी गई हैं सभी के लिए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी दे रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर भरना, इसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकाल के दिया गया है। पूरा डिटेल में बात करेंगे, कितने तारीख तक फॉर्म भराएगा, कितना फीस लेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट क्या रखा गया है और आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, पूरा आपको A to Z इस नोटिफिकेशन पे आपको मिल जाएगा। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, 10th पास हो गए हैं, 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, तो आपको इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखना चाहिए। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो विभाग है दोस्तों, ये विभाग पहले मैंने बता दिया था, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण निगम की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, यानी फूड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया श्रम एवं सेवा योजन विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ये है न्यू दिल्ली की तरफ से। ठीक, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी में फर्स्ट नंबर अपन देखते हैं तो पोस्ट मैनेजर के लिए निकाली गई है, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए निकाली गई है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे कि पोजीशन रेगुलर रहेगा, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देना पड़ेगा 5 साल का, यहाँ से लेकर आपको 1, 2, 3 यानी कम से कम 8 नंबर पोस्ट तक, सीरियल नंबर 8 तक आपको एक्सपीरियंस लगेगा। जैसे ब्रांच मैनेजर हो गया, तहसील मैनेजर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो गया, डिविजनल मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, रीजनल मैनेजर हो गया, इनके लिए आपको 1-1 साल का एक्सपीरियंस, और जैसे रीजनल मैनेजर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं जहां से अपन को एक बिना एक्सपीरियंस के आप फॉर्म भर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बिना इसके फॉर्म भर सकते हो एक्सपीरियंस के, अकाउंटेंट के लिए, कलर के लिए, कंप्यूटर के लिए, टीम लीडर के लिए, फील्ड ऑफिसर के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, अप्रेंटिस के लिए, जैसे अप्रेंटिस के लिए क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है, और ट्रेन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है, फील्ड ऑफिसर के लिए 10th मांगा गया है, टीम लीडर के लिए इंटरमीडिएट प्लस 12th मांगा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दी गई, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आइए आपको बात कर लेते हैं जो अपने स्टूडेंट हैं 10th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, ये देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के। यदि यहाँ पे ITI वाले स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन चाहिए, और आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक रहने वाली है। वेतन आपका 7वां वेतन के आधार पर मिलेगा, रेगुलर पोस्ट रहेगी, और यहाँ पे टोटल 160 पोस्ट दिया गया है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। ST, SC, OBC और EWS के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कैटेगरी दी गई है, तो आप लोग देख लेना कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। फिर नेक्स्ट जैसे कि दिया है टेस्टलेस ऑपरेटर के लिए 10th पास होना चाहिए, 10th पास के लिए टोटल वैकेंसी 234 पोस्ट निकाली गई है। गार्ड, यदि आप गार्ड में जाना चाहते हैं, 8वीं पास हैं, प्यून में जाना चाहते हैं, 8वीं पास हैं, तो आप जा सकते हैं। गार्ड की भी सैलरी 18,000 रुपये है, प्यून की भी सैलरी 18,000 रुपये है, यहाँ पे 208 पोस्ट है, यहाँ पे 78 पोस्ट है, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। यदि आपको गाड़ी चलाना आता है, ड्राइवरिंग करना चाहते हैं, तो आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,000 रुपये तक रहने वाली है। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 90 पोस्ट है। यदि आप हेल्पर में जाना चाहते हैं, 8वीं पास हैं, तो आप भी जा सकते हैं, आपकी सैलरी 18,000 से 56,000 रुपये रहने वाली है। 280 पोस्ट है हेल्पर बस के लिए। फिर लैब अटेंडेंट के लिए देख लीजिए, लैब अटेंडेंट की 19,900 से लेकर 63,000 रुपये सैलरी रहेगी, 143 पोस्ट है। आपको इंटरमीडिएट साइंस से कंप्लीट होना चाहिए। स्टोर्स के सुपरवाइज़र के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हाई स्कूल पास होना चाहिए, और 145 पोस्ट स्टोर सुपरवाइज़र के लिए है। तो इस नोटिफिकेशन को अपने मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पे आकर। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमारा फॉर्म कब से भराना चालू होगा। तो डेट ऑफ ओपनिंग आपको 27 अप्रैल 2023 से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, तो लास्ट डेट रहेगा 26/5 यानी 26 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.fpci.org.in इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ओपनिंग डेट है 27 अप्रैल, लास्ट डेट है 26 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो।
अब आते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं एज की। दोस्तों यहाँ पे एज की बात कर रहा है तो 31/3/2023 के माध्यम से काउंट करेगा। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो STSC OBC EWS के लिए मात्र ₹375 चार्ज लगेंगे। यदि आप अदर के हैं STSC OBC EWS के अलावा हैं तो आपको ₹650 अप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पे करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का ये मन में डाउट होता है सर सिलेक्शन तो बताया नहीं आप कैसा है, तो यहाँ पे मैंने बता दूं कि सिलेक्शन जो आपको होने वाला है लिखा हुआ था सिलेक्शन विल बी बेस ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग। आपको वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, फिर इंटरव्यू इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसी स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट सही रहेगा, जो फुलफिल करता है जिस पोस्ट के लिए तभी उसको बुलाया जाएगा, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है तो इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 27/4/2023 से फॉर्म भराना चालू होगा, 26/5/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, फोटो सिग्नेचर को सबसे पहले आपको अपलोड करना है फॉर्म के टाइम पे। लॉगिन करने के लिए जैसे मैंने बताया था www.fpci.org इन पर जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप वहाँ से बिल्कुल देख लेना। फिर फीस का मैंने बताया था ₹375 STSC OBC, जनरल वालों के लिए ₹650 रहने वाली है। इसके अलावा पेमेंट आपको ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो, कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, यही सारी जानकारी है। मगर यही है कि इसमें फॉर्म आप लोग जरूर भरना, आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है तो आप अप्लाई कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे ये PDF को मैंने अपलोड कर दिया है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।